नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। बारिश का मौसम आ चुका है। इस मौसम में नमी के कारण बालों पर काफी गलत असर होता है। नमी के कारण बाल अक्सर गीले बने रहते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। इस कारण से कई लोगों के ज्यादा बाल झड़ने लगते हैं या फिर उन्हें बाल से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। यही कारण है कि एक्सपर्ट मौसम के बदलाव के दौरान बालों की अधिक देखभाल करने की सलाह देते हैं। अधिकतर लोग बाल झड़ने और टूटने से रोकने के लिए इंटरनेट पर सर्च करते हैं और वहां बताए हुए तरीकों को अपनाने लगते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि सबसे पहले बाल झड़ने का कारण जानना चाहिए। अगर आपको बाल झड़ने का कारण पता होगा तो आप उसका इलाज आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर कारण ही नहीं पता होगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपके बाल झड़ क्यों रहे हैं। कुछ लोगों के हमेशा बाल झड़ते हैं तो कुछ लोगों के निश्चित मौसम आने पर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल भर में सबसे अधिक बाल किस मौसम में झड़ते हैं? शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन हाल ही में एक्सपर्ट ने बताया कि साल के कौन से महीने में सबसे अधिक बाल झड़ते हैं। एक एक्सपर्ट ने चेतावनी दी कि सितंबर के महीने में सबसे अधिक सीजनेबल हेयर फॉल होता है। इसका कारण शरद ऋतु के तापमान में गिरावट और तनाव को इसका जिम्मेदार माना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सितंबर में सबसे अधिक हेयर फॉल होता है और जनवरी आते आते बालों का झड़ना धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके बाद अगर आप सही डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं तो गिरे हुए बाल वापस आ सकते हैं। 40 से अधिक इंडस्ट्रीज में काम कर चुके और यूके के एक फेमस हेयर एक्सपर्ट के मुताबिक सितंबर को बालों के झड़ने के लिए सबसे खराब महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने में तापमान में काफी बदलाव आते हैं, लेकिन इसके बाद अक्टूबर से बालों का गिरना कम हो जाता है और जनवरी तक हेयर फॉल रुक जाता है। एक और एक्सपर्ट का कहना है, तनाव न केवल शरीर के लिए काफी खतरनाक होता है बल्कि ये बालों के लिए काफी खतरनाक होता है। तनाव शरीर के एंडरलाइन और कॉर्टिसोल हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे बालों की नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस बिगड़ जाती है और बाल अधिक झड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।